नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट निर्भय शर्मा ने रविवार को कुरुंग कुमे जिले का दौरा किया, जहां उन्होंने जिले में चल रहे विकास परियोजनाओं का जायजा लिया। इस दौरान गवर्नर ने कोलो रियांग में पंचायत के नेताओं, जिला अधिकारियों और अन्य विभागों के प्रमुखों से भी मुलाकात की और उन्हें निर्देश दिए कि वो जिले में विकास परियोजनाओं का निर्माण करें। बैठक में कई और मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान पीएचडी मिनिस्टर ताकम पारियो ने कुरुंकुमे से लोगों के पलायन पर चर्चा करते हुए कहा कि सड़क संपर्क, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं के अभाव के कारण लोग अन्य राज्यों की तरफ रुख कर रहे हैं, इसलिए प्रशासन को इन क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं पर जोर देना चाहिए। इस बैठक में शिक्षा विभाग में संसदीय सचिव बामंग फेलिक्स, डीजीपी नित्यानंदामा भी गवर्नर के साथ मौजूद थे। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुदीप राय बर्मन ने शारदा चिटफंड मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री माणिक सरकार और उनके मंत्रियों के शामिल होने का आरोप लगाया है। सुदीप रॉय ने वारिस चिटफंड कंपनी के मालिक शाने अहमद के उस लेटर का जिक्र किया जो अहमद ने सीएम को लिखा था। इस लेटर में शाने ने सीएम से कहा था कि वो अपनी संपत्ति बेचकर निवेशकों के पैसे लौटाना चाहता है। सुदीप ने बताया कि ये पत्र 6 नवंबर को ही सीएम के पास पहुंच गया था, लेकिन राज्य सरकार इसका जवाब देने के बजाय मूक दर्शक बनी हुई है। सुदीप ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की अपील पर ही लोगों ने चिटफंड कंपनियों में निवेश किया था, जिसकी वजह से आम जनता ठगी का शिकार बनी। विपक्ष के नेता सुदीप रॉय ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम और उनके मंत्रियों ने राज्य में इन चिटफंड कंपनियों का प्रचार किया था, जिसकी वजह से भोली भाली जनता ने इन कंपनियों पर विश्वास करते हुए अपनी जमा पूंजी इन ठगी कंपनियों को सौंप दी। सुदीप ने कहा सीबीआई ने हाल ही में पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मोहन मिस्त्री को शारदा कंपनी के समारोह में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया था। ऐसे में सीबीआई को माणिक सरकार के खिलाफ भी कोई सख्त कदम उठाना चाहिए। बांग्लादेश के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत सरकार बुधवार को दक्षिण त्रिपुरा जिले के हेडक्वार्टर बेलिनिया में फुटबॉल मैच का आयोजन करवा रही है। ये मैच दोनों देशों के सुरक्षा बलों बीएसएफ और बीजीपी के बीच खेला जाएगा। शनिवार को बीएसएफ की 89वीं बटालियन के कमांडेंट संजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिलोनिया के बीके ग्राउंड पर मैच आयोजित किया जा रहा है। दोनों देशों के बीच पहले भी इस तरह के मैच खेले जा चुके हैं। पिछला मैच त्रिपुरा के खोवाई जिले में 2012 में खेला गया था। संजीव का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रमों से दोनों देशों के बीच संबंध मधुर बनते हैं। वैसे सुरक्षा बल न सिर्फ फुटबॉल मैच बल्कि नियमित आधार पर बैठ के भी करते हैं, साथ ही सद्भाव और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दोनों ही सेनाएं साथ मिलकर स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, दिवाली और ईद जैसे त्योहार भी मनाती है और एक दूसरे की खुशी में शामिल होती है। त्रिपुरा के अगरतला में क्रिसमस को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। गुरुवार को क्रिसमस है, जिसके मद्देनजर लोग तैयारियों में जुट गए हैं। अगरतला के मारिम नगर चर्च में स्थानीय लोग चर्च की साज सजावट में लगे हुए हैं, साथ ही चर्च में झांकियां भी बनाई जा रही हैं। हर साल की तरह इस साल भी क्रिसमस के मौके पर मस्जिद क्षेत्र में 2 दिन का मेला लगाया जाएगा। जिस तरह से दिवाली पर लोग अपने घरों को रोशनी से जगमग करते हैं, उसी तरह क्रिसमस पर भी लोग घरों के बाहर लाइट लगाते हैं और धूमधाम से ईसा मसीह का जन्म दिवस मनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के निरजुली स्थित न्योकुम निया हॉल में रविवार को ऑल अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियन का दूसरा स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस में बतौर मुख्य अतिथि शहरी विकास के संसदीय सचिव तेची कासो मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने सभी वर्कर्स को ईमानदारी से काम करने की नसीहत दी और कहा कि लेबर समुदाय राज्य के विकास के लिए रीढ़ की हड्डी है और वो प्रत्येक विकास कार्यों में अपना सहयोग देते हैं। भूमि अतिक्रमण पर बात करते हुए तेची कासो ने कहा कि राज्य में सरकारी इमारतों पर भूमि अतिक्रमण काफी हद तक बढ़ गया है और इस पर लगाम कसना बेहद जरूरी हो गया है। इस बीच ऑल अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियन के अध्यक्ष दाना तादू ने तेजी कासो को एक मेमोरेंडम भी सौंपा। समारोह में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दर्शाए गए थे। लेबर का बेटा अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता है बोल के कहीं गीता में, कहीं कुरान में, कहीं बाइबल में नहीं लिखा है। कोई पियोन का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता है बोल के कहीं नहीं लिखा है। कोई किसान का बेटा नहीं बन सकता है बोल के नहीं लिखा है। एमएलए मिनिस्टर बन नहीं सकता है, इंजीनियर डॉक्टर बन नहीं सकता है, पायलट नहीं बन सकता है कहीं नहीं लिखा है। दोस्तों ये मेहनत, हर इंसान का जो मेहनत जो है वो अपना मंजिल तक पहुंचाता है। तो
इसी मेहनत करते हुए मैं हम कभी 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 हम अपना आप पे जब लाला जी आ जाता है तो हम अपना आगे बढ़ने का रास्ता को हम खुद बंद करता है। अरुणाचल प्रदेश में कानूबाड़ी से स्थानीय विधायक गाबरिल देवांग वांगसू ने प्रदेश के सभी फिल्म निर्माताओं को सलाह दी है कि वो राज्य की प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति को ध्यान में रखकर डॉक्यूमेंट्री या फिल्म का निर्माण करें। ईटानगर में रविवार को अबू शंभू फिल्म प्रोडक्शन हाउस के उद्घाटन करने के दौरान उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश समृद्ध प्राकृति और सांस्कृतिक ग्लोबल मार्केट में फिल्म निर्माण के लिए प्रदेश को अलग पहचान दिलाती है, इसलिए निर्माताओं को प्रदेश की पहचान से समझौता किए बिना ही फिल्म में राज्य की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना चाहिए। इस दौरान वांगसू ने प्रोडक्शन हाउस स्थापित करने के लिए शंभू फ्लेगो और नाबम आबो की सराहना की। उन्होंने कहा कि अगर 15 साल पहले राज्य में फिल्म इंडस्ट्री को बसाया जाता तो आज राज्य में फिल्म उद्योग एक अलग ही स्तर पर होता। कार्यक्रम में उन्होंने प्रोडक्शन हाउस के विकास के लिए अपनी तरफ से हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। चूंकि मैं जानता हूं कि एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस को खड़ा करने में कितना चैलेंजेस होता है और इसके लिए बहुत बड़ा दिल, दिमाग और साहस की जरूरी है जो आपने दिखाया है। नंबर वन। नंबर टू, अभी तक जो मैंने विजुअल्स जो भी देखा है ये सराहनीय है। मैं दुखी हूँ कि इस प्रकार का अगर कोशिश 10-15-20 साल पहले अगर किया होता तब इस प्रकार के जो भी हो, छोटा मोटा क्यों ना हो, इस प्रकार का अगर फैसिलिटीज पहले ही अगर होता तो आज का दिन में हमारा मार्केट में भी हमारा फिल्म से भर जाता। मणिपुर के इम्फाल स्थित पैलेस कंपाउंड के बोट में शुक्रवार को फैशन इवेंट एलिगेंस ऑफ द डांसिंग लूम्स का आयोजन किया गया। फैशन शो में विदेश से आए मॉडल्स ने हिस्सा लिया, जिनमें 2 ब्राजील, 2 स्लोवाकिया, 2 यूक्रेन और 1 मॉडल रशिया से थी। इनके साथ ही 12 पुरुष मॉडल और 18 महिला मॉडल्स ने मणिपुर से भी भाग लिया था। फैशन शो का आयोजन फैशन इवेंट कंपनी ब्लू विंग के द्वारा किया गया था। शो की शुरुआत फोक सिंगर मांका के गीत के साथ हुई थी। शो को देखने के लिए भारी संख्या में लोग पैलेस कंपाउंड पहुंचे थे। या ऑफ कोर्स दिस इज आवर सेकंड एडिशन। वी आर ट्राइंग टू प्रमोट आवर ट्रेडिशनल अटायर्स डिजाइनर्स। लास्ट अप दिस ईयर लिटिल बिट बेटर फ्रॉम लास्ट ईयर। हाउ मेनी फॉरेन मॉडल्स एंड मणिपुर मॉडल्स आर टेकिंग पार्ट दिस ईयर? This year, 7 international models, 2 from Brazil, 2 from Ukraine, 2 from Slovakia and 1 from Russia, and 22 models from female models from Manipur, and 12 men models from Manipur. How many designers are going to showcase in their designs? In the showcase, there are 10 designers showcasing their beautiful attires. Fashion parade in Manipur has been widely taken as entertainment rather than promoting fashion in this show. How do you assess this? Yeah, if you organize such a show again, then definitely our Manipur fashion should be, industry should be grow up. So we have to do lots of work. This initial stage, we have to organize more and more and more. And but here we are facing a very very big problem. This is that still we organize such a grand show, but only few some amounts we get from the related departments. So we hope the related department should organize a big event for the promotion of Manipur handloom products and to promote. We hope the government of Manipur will organize a fashion week. आज शग में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।